तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अतुल सर का एक नया ट्वीट सामने आया है, उस ट्वीट को भी हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए दोस्तों, बात करेंगे जब बीपीएससी टीआरई और सुपर टेट 2023 रिजल्ट में देर ही करना था तो इतना आनन फानन में एग्जाम क्यों कराया गया। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल है यहाँ पर इस समय। जी हाँ, आपको पता होगा कि भैया बच्चे कह रहे थे कुछ वक्त दे दिया जाए पेपर में, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। पेपर को दोस्तों बहुत ही जल्दबाजी में कराया गया, क्योंकि आपको पता है 20 अगस्त को हमारा सीटेट का एग्जाम था, 24 तारीख को बीपीएससी टीआरई का एग्जाम था। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ही समय आपको दिया गया पेपर की तैयारी में। बाकी सीटेट का रिजल्ट अब आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो रिजल्ट आया, 7.76% अभ्यर्थी प्रथम प्रश्न पत्र में सफल हुए। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमने आपके सामने एक सवाल रखा था। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई में कितने प्रतिशत छात्रों के पास होने की संभावना है। जैसे दोस्तों हमारा सीटेट का रिजल्ट है, 7.5% बच्चे पास हुए हैं, वैसे दोस्तों हमारा रिजल्ट आएगा बीपीएससी का, यहाँ पर भी दोस्तों जो परसेंटेज आएगा, देखिए हमने विकल्प दिया था 25% से अधिक में 49% बच्चों का कहना है, 50% से अधिक में 33%, ये तो दोस्तों विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता तीसरा वाला, 40 से अधिक इसमें कुछ संभावना बन सकती है। देखिए दोस्तों, कोई भी रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिएगा, कभी भी 50% बच्चे पास नहीं होते। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था, 4 लाख बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए, उत्तीर्ण 1,46,000। अगर दोस्त इसका 50% होता तो 2 लाख से ज्यादा बच्चे पास होना जरूरी होता। इससे पहले की वैकेंसी 68,500 वैकेंसी थी, उसमें भी दोस्तों उतने बच्चे पास नहीं हुए, 50% बच्चे। तो कुल मिला के जो भी शिक्षक भर्ती बड़े स्तर पर आती है, 50% बच्चे पासिंग मार्क नहीं, ठीक है, क्लियर कर पाते, नहीं तो दोस्तों होगा क्या ना कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। तो उसी हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो। जी हाँ दोस्तों, पास कराने पर ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं होता। अब डीएलएड में देख सकते हैं, 38,610 बच्चे पास हुए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट था। बीएड के बच्चों को इस बार तो बाहर माना जाएगा, तो इस बार भी दोस्तों देखिए बीएड के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हैं। देखिए इस वैकेंसी की जो खास बात ये है ना, इसमें बीएड के बच्चे सम्मिलित हैं और उम्मीद है कि बीएड का भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। भले दोस्तों बीएड के बच्चों को नौकरी दे या ना दे, लेकिन बीएड का रिजल्ट तो जारी ही करेंगे, जैसे आपको पता सीटेट का। जी हाँ, बहुत से बच्चों को लग रहा था कि सीटेट में बीएड का रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन दोस्तों सीबीएसई सीटेट ने बीएड के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आप लोग जानते ही हैं, जो भी दोस्तों फैसला आया है, ठीक है, बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया या पेपर वन में अब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। देखिए जो महत्वपूर्ण बात ये थी, 11 अगस्त को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, उसके बाद 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम कराया गया। अगर दोस्तों सीबीएसई चाहती तो भी बीएड के बच्चों को पेपर देने से रोक देती, लेकिन पेपर देने दिया गया, नहीं तो होता क्या कि बच्चे पैसा रिफंड मांगने लगते हैं। अब बीपीएससी में भी दोस्तों सेम कंडीशन यही हो गई, ठीक है, सैलरी दोस्तों बहुत ही बेहतर है बीपीएससी में। देखिए एक नियोजित शिक्षक वाला मैटर चल रहा था, अगर इन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाता है, उनको परमानेंट कर दिया जाता है, तो फायदा दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट को मिलेगा। जो बच्चे अभी नए हैं, आप देखिए बहुत से नियोजित शिक्षक भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है, इनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों जब इनको वैसे ही परमानेंट कर दिया जाएगा तो इनको क्या मतलब है बीपीएससी टीआरई एग्जाम से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब उनका प्रमोशन, आगे चलकर दिक्कत होगी क्योंकि नए सिरे से उनको नौकरी दी जाएगी, ठीक है, तो अगर उनको वही से राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाता, परमानेंट हो जाते हैं, तो भाई वही से नौकरी ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त एक एक बात हम देखेंगे। देखिए ओवरलैपिंग, आपसे हम कहते हैं दोस्तों ओवरलैपिंग सही तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची है, देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो देखिए आपका लिखा रहेगा आप लोग की कैटेगरी या कास्ट, और लिखा रहेगा सिलेक्शन कैटेगरी, ये दोस्त इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी के, अगर आपको ओबीसी मिल रहा है तो आपको ओवरलैप नहीं कराया गया। अगर दोस्तों मान लेते हैं आप ओबीसी से, अगर आपको यूआर कैटेगरी की सीट मिलती है तो वो ओवरलैपिंग के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर आपको सभी ओबीसी दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो लिस्ट आई थी ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की लिस्ट है। ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई थी, लेकिन उन बच्चों को आज तक नौकरी मिल भी नहीं पाई। अब देखिए दोस्तों बीपीएससी में कितने परसेंट बच्चे पास होंगे वो कैसे क्लियर होगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% पासिंग मार्क रखा गया था। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे यूआर कैटेगरी से आते हैं, या तो हम कह सकते हैं अदर स्टेट वाले बच्चे, या दोस्तों जो बच्चे बिहार के मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, या एडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको भी 48 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका 48 से कम आ रहा है तो आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं,
उनको लाना पड़ेगा 43 नंबर, और ईबीसी कैटेगरी वाले छात्रों के लिए लाना पड़ेगा 40 नंबर, एससी और एसटी में लाना पड़ेगा 38 पॉइंट समथिंग, या 40 दशमलव समथिंग है या 43 दशमलव समथिंग है, तो मान के चलने की 43 पर ही आपको पास मान लिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप पासिंग मार्क देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर दी गई कि किस कैटेगरी में कितनी, अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी, मेल और फीमेल, ठीक है। सीटें दोस्तों आप देख सकते हैं जो बच्चे अदर स्टेट के रहेंगे, बस ये 32,000 सीटें आप लोगों के लिए रह सकती हैं। ये फीमेल वाले में एक बार डाउट जा रहा है, लेकिन मौका मिलेगा, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट की वो कहाँ पर जाएंगे, उनको मेल में थोड़ी नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फीमेल के लिए 50% सीटें पहले से ही आरक्षित कर दी गई हैं। महिलाओं के लिए देखिए, महिला आरक्षण ही है, तो महिला में महिलाओं को तो नौकरी मिलेगी ना, पुरुष को थोड़ी नहीं मिलेगी। फिर एक सवाल ये आता है कि भैया जो बिहार की जनरल कैटेगरी की महिलाएं थी उनको पास होने के लिए सीटेट में 82 नंबर रखा गया, अब अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 90 नंबर, तब तो ये बात सही नहीं है। तो क्या इस आरक्षित वर्ग में फीमेल कैंडिडेट्स को नौकरी मिल पाएगी, चलिए वेट एंड वॉच करें, देखते हैं। और देखिए आपको बता दें, अब देखिए दोस्त यहाँ पर जो हमारा ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ रहा है, देखिए इसीलिए हम आपसे करवाते हैं, आप लोग खुद ही आंसर करिए, उससे दोस्तों काफ़ी डाउट हमारा क्लियर होता है। अब देखिए आप लोगों का कहना ये है कि 25% से और 40% के बीच में बच्चे पास होंगे, मतलब दोस्तों टोटल बच्चे हम मान के चल रहे 4 लाख हैं, ठीक है, समझिए एक बात को जरा, चलिए हम 1 लाख में से आपको बताते तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते टोटल 1 लाख बच्चे हैं, अब 25% का मतलब क्या हो गया, 25,000 बच्चे पास होते हैं, ठीक है। अगर मान लेते चलिए 25 से ज़्यादा बढ़कर 33% बच्चे पास होते हैं, तो 33,000, 1 लाख में से दोस्तों 33,000 बच्चे 2 लाख में कितने हो जाएंगे, 66,000 बच्चे हो जाएंगे, 3 लाख में दोस्तों तकरीबन 1 लाख बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये 1 लाख में अदर स्टेट के बच्चे होंगे, बिहार के बच्चे होंगे, आरक्षित वर्ग अनारक्षित हर एक कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, 1 लाख बच्चों को वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा, डीवी के लिए, ठीक है। देखिए अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट आया था वो क्या था, पहले उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आज अतुल सर का ट्वीट आया था, कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एई, देखिए विज्ञापन 2019 के एई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई, यह वास्तव में लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम रहा है, जल्द ही 2020 विज्ञापन के एई परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अतुल सर का यहाँ पर ट्वीट आता है, लेकिन एक बात समझिए पहले, जी हाँ, जो कि बच्चे काफ़ी नाराज भी थे इसको लेकर। देखिए अतुल सर का जो ट्वीट आ रहा बहुत ही अच्छी बात है, ट्वीट आना भी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए इनका कंग्रेचुलेशन उन्होंने किया, लेकिन दोस्तों देखिए इन्होंने जो बच्चे सीटेट में परीक्षा पास किया उनको कंग्रेचुलेशन नहीं किया, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए किया, लेकिन दोस्तों जब सीटेट का रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट ऑफ सीटेट, तब दोस्त ये बीपीएससी रिजल्ट को देरी में सीटेट का एक नाम ले रहे थे, लेकिन जब सीटेट का रिजल्ट आ गया, समझिए इस बात को, ठीक है, उसको लेकर इन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया कि बच्चों के लिए बधाई देना चाहिए कि जो बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ बातें लिखनी चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा कि बीपीएससी की ओएमआर सीट बहुत ही जल्द सामने आएगी। चलिए वेट कर रहे हैं, आ जाए बीपीएससी दोस्तों, कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, 25% या इससे अधिक मान लेते, मैक्सिमम 40 मिनिमम 25, ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। बीपीएससी टीआरई पासिंग मार्क यूआर और ईडब्ल्यूएस में सेम पासिंग मार्क रहेगी, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं, नौकरी आसानी से मिलेगी। ओबीसी एससी एसटी एससी एसटी में दोस्त आपके भाई 32% पासिंग मार्क, ओबीसी में 40 और 34%, 40 नहीं दोस्तों यहाँ पर 36.5 और 34 है। बीपीएससी टीआरई में कितने नंबर पर पास होंगे, अदर स्टेट के सभी बच्चों के लिए 48 नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद शुरू होगा। सीटेट का पासिंग मार्क दोस्तों वही 90 नंबर, ठीक है, लेकिन बिहार के कैंडिडेट्स के लिए 75, 82 और 90 नंबर रखा गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, बाकी देखिए एक बात और वीडियो के अंत में, जो सभी बच्चे डाउट में रहते हैं सर कि कितने नंबर तक नौकरी मिल जाएगी, एक बात हमें आपको बताते हैं, जो बच्चे आज 35 से 40 नंबर तक ला रहे हैं, 35 से 40, अब देखिए ये सबको नौकरी नहीं मिलेगी, अब कहिए हम यूआर कैटेगरी से हमको 35 नंबर पर नौकरी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिजल्ट दोस्तों जब आएगा तब आपको क्लियर होगा कि कैसे बच्चों को नौकरी मिल रही है, ठीक है। बहुत से बच्चे दोस्तों बीपीएससी, ठीक है, टीआरई में सीटेट अपेयरिंग छात्र थे, जो अपेयरिंग छात्र थे मैक्सिमम बच्चे बाहर होंगे, ठीक है, आपने रिजल्ट देख लिया कि कितना बेहतर रिजल्ट आया, तो
अभी दोस्तों जूनियर की जो वैकेंसी आ रही है अगले महीने अक्टूबर में, उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सीटेट हो या बिहार टेट, उसके लिए आपका पेपर टू क्लियर होना जरूरी है। नहीं क्लियर है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में, सुपर टेट 2023 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य 18 सितंबर तक रखा गया था, पर अब तक ना ही रिजल्ट आया, ना ही बोर्ड से अभ्यर्थियों का डाटा लीक होने के कारण नंबर बढ़ाने के फर्जी कॉल रुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए नंबर बढ़वाने वाले भैया लोग लगातार लगे हैं, ठीक है, बच्चों को कॉल कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चे डर रहे हैं कि यार सच में ऐसा तो नहीं चल रहा है। बहुत से बच्चे हो सकता है पैसे देकर फंस भी गए हों, लेकिन अब ये रिजल्ट पर ही क्लियर होगा कि कितना पैसा चला नहीं चला। बिहार में युद्ध स्तर पर जातिगत जनगणना का कार्य संपन्न करा लिया गया, लेकिन शिक्षकों को अब तक ना ही कार्य की शेष राशि दी गई है, ना ही क्षतिपूर्ति अवकाश। ठीक है दोस्तों, देखिए रिजल्ट और ये सब में काफी दिक्कत हो रही है बच्चों को। जब पेपर एकदम मतलब होता ना जल्दबाजी में करा लिया गया, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा। एक बात और दोस्तों, इस वैकेंसी में OMR सीट पर जिन बच्चों ने गलती किया उसको भी देखा जा रहा, सुधारने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और अदर जगह अगर आप OMR भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो आपकी OMR ही नहीं चेक होती है। तो काफी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए उतना ही बेहतर है आपके रिजल्ट के लिए। नहीं तो दोस्तों वही है, कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है। अब देखिए इसका आप एग्जाम्पल लीजिएगा, 68,500 शिक्षक भर्ती में जितनी भी बार कॉपी की रीचेकिंग हुई, हर बार कुछ ना कुछ बच्चे पास होते गए, तो क्या वो पैसा चला था? तो ये सब बातें थी। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।